महाराष्ट्र में कर्ज माफी के ऐलान के बाद किसानों के चेहरे पर लौटी खुशी। नागपुर में मिठाई बांटकर मनाया जश्न। महाराष्ट्र सरकार के फैसले से ठाणे में भी किसानों ने मनाया जश्न। लोगों को बांटे दूध और सब्जी। महाराष्ट्र में जरूरतमंद किसानों की कर्ज माफी के ऐलान के बीच अकोला में किसान ने की खुदकुशी। 45,000 के कर्ज से परेशान था। किसानों की कर्ज माफी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान। बोले, किसानों की कर्ज माफी चाहने वाले राज्य पैसे का इंतजाम करें। मुंबई हाईकोर्ट ने संजय दत्त की जल्द रिहाई पर सवाल उठाए। सरकार ने जल्दी रिहाई के लिए संजय दत्त के अच्छे व्यवहार का दिया था हवाला। कोर्ट ने कहा, आधे समय तक संजय दत्त पैरोल पर बाहर रहे, ऐसे में सरकार ने किया अच्छे व्यवहार का कैसे आकलन। धोखाधड़ी मामले में थाड़े सेशन कोर्ट से शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा को मिली राहत। विदेश जाने की मिली इजाजत। मुंबई में शराब पीकर झगड़ रहे लोगों को रोकना पड़ा पुलिस वालों को महंगा। बीच बचाव करने वाले पुलिस वाले को पीटा गया। दादर फ्लाईओवर पर टैक्सी के अचानक ब्रेक लगने से हुआ था हादसा। टैक्सी में बस ने और बस को ट्रक ने पीछे से मारी थी टक्कर। फ्लैट से मिला स्ट्रगलिंग मॉडल का शव। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को किया था फोन। 4 दिन से शव पड़े होने का है शक। पुलिस ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। फर्जी पासपोर्ट बनाने और इमिग्रेशन में मदद का है आरोप। एंटी नारकोटिक सेल ने मुंबई एयरपोर्ट पर 36 करोड़ की कोकीन पकड़ी। एक विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार। आईआईटी एडवांस के नतीजे घोषित। पंचकुला के सर्वेश मेहतानी बने टॉपर। पुणे के अक्षत दूसरे और दिल्ली के अनन्य तीसरे नंबर पर। देशभर में दूसरा स्थान हासिल करने वाले अक्षत चुग के घर पर भी जश्न। बधाई देने वालों का लगा तांता। मुंबई की रिया ने हासिल किया है 115वां स्थान। 2012 के बाद सबसे न्यूनतम स्तर पर रिटेल महंगाई दर। खाने के सामानों की कीमतों में गिरावट से अप्रैल में 2.18% पर पहुंची रिटेल महंगाई दर। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर में तेजी। 3.1% पर रही अप्रैल की आईआईटी। बड़े लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुटा है आरबीआई। दिवाला कानूनों के तहत की जाएगी कार्रवाई। सॉफ्टवेयर की कमी के चलते ईबे बिल को कुछ महीनों के लिए टाल सकती है केंद्र सरकार। 50,000 से ज्यादा कीमत के सामान ले जाने के लिए है बिल। 166 अंकों की गिरावट के साथ 31,095 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 51 पॉइंट्स गवाकर 9,616 पर बंद। सोने के भाव में 70 रुपए तोले की गिरावट। चांदी में भी 200 रुपए की कमी। रेलवे में 11,000 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में। रेलवे बोर्ड ने दिया चटनी का संकेत। सस्ती हवाई सेवा उड़ान के तहत स्पाइस जेट अगले महीने से शुरू कर देगा 2 उड़ानें। पोरबंदर और कांडला के लिए मुंबई से 10 जुलाई को शुरू होगी उड़ान। रेल मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। 2023 तक आधुनिक सुविधाओं से लैस 40,000 नए कोच लग जाएंगे। ऐश्वर्या के साथ अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाब जामुन में काम करने को लेकर अभिषेक ने तोड़ी चुप्पी। कहा, अभी तो शुरुआती बातचीत ही चल रही है।